केंद्र सरकार की महत्वाकांक्षी योजना अमृत सरोवर को लेकर तराई पूर्वी वन प्रभाग के किशनपुर रेंज में तैयारियां शुरू हो गई हैं, जिसके तहत किशनपुर रेंज में करीब 5 लाख की लागत से 3 छोटे और 2 बड़े कुल 5 तालाबों को अमृत सरोवर के रूप में तैयार किया जा रहा है, जिसको भव्य रूप देने की तैयारियां जोरों शोरों से की जा रही है। इस दौरान जानकारी देते हुए किशनपुर रेंज के क्षेत्राधिकारी घनानंद चनियाल ने बताया कि केंद्र सरकार की अमृत सरोवर योजना के तहत किशनपुर रेंज के अंतर्गत जंगल में सरोवर तैयार किए जा रहे हैं, जो कि पूरी तरह से इको फ्रेंडली रूप से सुसज्जित है। इसमें किसी प्रकार की केमिकल युक्त वस्तु का प्रयोग नहीं किया जा रहा है। इसमें लगने वाली घास भी इसी जंगल से एकत्रित कर उसमें लगाई जाएगी, जिसको भव्य रूप देने के लिए इसमें एक टापू बनाया जाएगा जो कि अपनी ओर आकर्षित करेगा। इस समृद्ध सरोवर योजना का उद्घाटन स्वतंत्रता संग्राम सेनानी शहीद परिवार या जन प्रतिनिधि के द्वारा 15 अगस्त को किया जाएगा। जो ये अमृत सरोवर का जो ये कॉन्सेप्ट आया है, ये माननीय प्रधानमंत्री जी नरेंद्र मोदी जी द्वारा चलाया जा रहा है पूरे हिंदुस्तान में, पूरे भारत में, और इसी के क्रम में हमारे तराई पूर्वी अंतर्भाग में भी ये अमृत सरोवर बनाए जा रहे हैं और थोड़ा रिजर्व फॉरेस्ट के अंदर भी बनाए जा रहे हैं, जो कि ये नैनीताल जिले का क्षेत्र है। यहाँ पे भी 2 मुख्य तालाब और 3 छोटे तालाब बनाए जा रहे हैं। भव्य रूप से तैयारी चल रही है इसकी। 15 अगस्त के दिन हमारा झंडारोहण यहीं पे होगा, जिसमें हम शहीद के कोई भी परिवार के किसी सदस्य से या कोई स्वतंत्रता संग्राम सेनानी से या कोई गणमान्य व्यक्ति से क्षेत्र के या कोई क्षेत्र के माननीय विधायक जी या कोई मंत्री जी से इसका हम उद्घाटन करवाएंगे। और 15 अगस्त के दिन जितना हमसे बन सकता है, वैसे 20% 30% तक का टारगेट है हमारा करने का, उसके बावजूद भी हमसे जितना हो सकता है हम कोशिश करेंगे कि ये अच्छा बने और अच्छा कार्य हो पाए। हमारे उच्चाधिकारियों द्वारा, हमारे जो भी हमारे अधिकारी हैं, विभाग के बड़े अधिकारी हैं, उनके द्वारा हमें निर्देश दिए गए हैं कि यहाँ पे बरगद, पीपल और छायादार जो भी वृक्ष हैं, स्थानीय वृक्ष जो यहाँ की टोपोग्राफी में, यहाँ के भौगोलिक परिवेश में अच्छी तरह पल बढ़े हो सके, उन्हीं को यहाँ पे लगाया जाए। और घास रोपण भी यहाँ पे किया जाना है, और घास जो है वो भी स्थानीय होनी चाहिए, किसी प्रकार की बाहर से लाई हुई कोई घास यहाँ पे नहीं लगाई जाएगी। एग्जोटिक्स जो यहाँ के लोकल वातावरण की घास है, जो इस जंगल की घास है, उसी को हम ढूंढ के यहाँ पे लगाएंगे।